जय जोहार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों जो मशहूर कॉमेडियन है भारती सिंह, उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर कुछ अपशब्द बोले थे। हालांकि उनकी अभी भारती सिंह ने माफ़ी भी मांग ली है, चलो ठीक है, माफ़ी हो गई। अब मेरा जो आज का टॉपिक या वीडियो है, उसमें मैं कुछ भारती सिंह को लेकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सीधा इशारा है कि आज भारती सिंह ने बोला है और कल किसी और ने बोला था, और आगे आने वाले टाइम में कुछ कोई और बोल जाएगा और माफी तक सीमित रह जाएगा। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो सिस्टम है, ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा। भाई, समाज को लेकर आए दिन मैं कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ कि आज उस समाज के बारे में ऐसा बोल दिया, आज उस समाज को लेकर ऐसा बोल दिया। जो लोगों की मानसिकता है, उस पर प्रहार करना होगा, क्योंकि हमारे प्रति जो लोगों की मानसिकता है वो ऐसी क्यों है। इन लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान का सिस्टम है ना, उसमें इन लोगों को जो पढ़ने को मिला है, जो हमारी एक दशा है, वो इनको उस प्रकार की पढ़ने को मिली। जो सिस्टम है उसको चेंज करना होगा, जो गर्व से कह सके कि हम आदिवासी हैं, वो इतिहास इन लोगों के सामने रखना होगा, तब जाके इस समाज में परिवर्तन होगा और इन लोगों की सोच में परिवर्तन होगा। तब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि वो परिवर्तन ना लाया जा सके। आज भारती सिंह ने बोला है, कल कोई और आ जाएगा, और ये चलता ही रहता है सिस्टम। इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें समाज के युवा लोगों को आगे आना होगा। और जो वर्तमान में एक सिस्टम ये भी चल रहा है कि आपको सोशल मीडिया का सारा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जहाँ से अपना जो है इतिहास आगे रख सकते हैं। पहले क्या था कि लोगों के पास साधन नहीं थे। अब इन लोगों को कौन बताए कि आदिवासी ने ही इस सृष्टि को सब कुछ दिया है। शिक्षा का ज्ञान वही आदिवासियों से आया है। यहां तक कि जो औरतें मांग तक भरती है, वो आदिवासी संस्कृति से आई है। और कोई भी महाभारत पुराण को कुछ भी उठा के देख लो, आदिवासी का जिक्र सबसे पहले होता है। हालांकि उसमें उसकी छवि को थोड़ा गलत तरीके से दर्शाया गया है, जबकि इतिहास ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतिहास को आप टंटोलोगे तो एक गर्व करने वाली छवि मिलेगी आपको आदिवासी की। इसलिए मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हम आदिवासी हैं। तब तक अगर समाज में चेंज नहीं लाया जाएगा, तब तक ये लोग ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई दोष नहीं है। इनको ऐसा ही पढ़ने को मिला है, ऐसी दशा पढ़ने को मिली है, तो ये लोग बोलेंगे। अगर हम उसमें चेंज लाएंगे तो इनको एक नया इतिहास पढ़ने को मिलेगा, तब ये भी गर्व से कहेंगे कि हम आदिवासी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए